लड्डू और एक मुर्गा में बेचा जाते हैं? बेचाते हैं कि नहीं बेचाते हैं? क्या आप लोगों को नहीं खिलाने पिलाने सकेगी ये लोग? तो गलती हम लोगों पे है, भ्रष्टाचार हम लोगों पे है, पैसा हम लोग लेते हैं, नेता मंत्री तो इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग साधारण एक चीज देखिएगा, कोई दुकानदार रहता है ना, तो जब बाजार से सामान लेता है अपना दुकान के लिए तो थोड़ा कम दाम में लाता है। अगर वो 5 रुपया में लाता है तो वो वाला सामान गांव में आके 7 रुपया या 10 रुपया में बेचता है ना, मुनाफा करता है। तो सरकार भी तो वही कर रहा है, पैसा दे रहा, वोट ले रहा है, उसका मुनाफा तो करेगा ही। अभी फिर हम लोग कौन सा अधिकार मांगने जाते हैं? गलती तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना। और दूसरा गलती करते हैं, जब सरकार कोई आता वोट मांगने नेता मंत्री, तो वो कहता है कि हम आपका विकास करेंगे, कहता है ना आपके गांव का विकास करेंगे। ये कहता है, पूछिएगा क्या विकास कीजिएगा, तो कहता है कि रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कहता है ना। तो कौन सा सड़क बनाया है? सड़क तब बनेगा जब वोट पहुंचेगा 24, क्योंकि उसका क्या कहते हैं गाड़ी का नाम, फॉर्चूनर एसी वाला, चकचका के गांव घुसेगा ना, तो सड़क उसके लिए बनाएगा उस टाइम। और बना के आप लोगों को याद दिलाएगा कि देखिए हम तो सड़क बना दिया आपका, हाल फिलहाल में तो बनाए हैं। और कौन सा सड़क बनाता है? जो बाहर का 4 लाइन NH बनाता है ना। NH में क्या होता है, हमारा झारखंड का खनिज संपदा लूट के जाता है ना, तो उसमें हमारा कुछ फायदा होता है? हमारा तो नुकसान है ना। और जिस रोड पे हम लोग चलते हैं वो रोड तो एकदम उबड़ खबड़ टूटा फूटा है। एक कहीं से शहर से गाड़ी आ जाएगा, सनसना के पार होगा, आप स्कूल कॉलेज जाते रहेगी, आपको पूरा ऊपर से नीचे कादम की। हेलो, उसी रोड को उसी सड़क को किसी दिन आप जाके बंद कीजिए, इतना महिला इतना पुरुष जाके बैठिए, सबके नाम पे लिख देगा 353 का धारा, क्योंकि वो सड़क का हेलो हेलो वो चेकिंग भी नहीं होता, उसमें गांजा पार हो, ड्रग्स पार हो, कुछ भी पार हो, हमारा खनिज संपदा लूट के जा रहा, वो भी उसमें से चेकिंग नहीं होता, कुछ नहीं, जो जा रहा जाने दो। हेलो, बोलेगा 500 रुपए 1000 रुपए, हेलो चालान काट के देगा, फिर पूछिएगा चालान क्यों काट रहे हैं, तो सीधा कहेगा आपका सुरक्षा के लिए। तो दादा लोग चालान काटने से आपका सुरक्षा होगा क्या? म्यूट हो गए। नहीं ना, वो 500 या 1000 पैसा ले रहा, तो हेलमेट क्यों नहीं थमा रहा हाथ में? हेलो, आपको तो जहाँ के लिए आप निकले आप चालान काटने से भी हुआ तो आप जाएंगे ना। हेलो, तो चालान काटने के वजह हेलमेट क्यों नहीं देता? नहीं देगा आपका सुरक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है, आपका सुरक्षा से उसको कोई लेना देना नहीं है। आपको मतलब है पैसा लेना, अपना जेब भरना। तो अभी जयराम महतो की पार्टी जेबी के एसएस के कोल्हान से जो महिला आई है वो है बेबी महतो, वो अभी भाषण दे रही हैं बलसगरा में। पास हुआ है ना दीदी बड़ी योजना? अभी बलसगरा में भाषण दे रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो जेबी के ऐसे सब अपना पैर जो है धीरे धीरे फैला रही हैं और इनको झारखंडी शेरनी का नाम लोगों ने दिया है और वही आज इनका भाषण सुनने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। साथ में आज जो भाषण देंगे वो हैं संजय मेहता और पूजा मेहता, इन सब का भाषण आज जो है वो चल रहा है। उस टाइम से दीदी बड़ी योजना है ना, अगर उसको देना ही है तो धान चास करने के लिए पैसा क्यों नहीं देता? क्यों देगा वो? नहीं देगा, धान चास करने के लिए पैसा देगा, धान खेती करने के लिए पैसा देगा, आप खाने लायक रख के बाकी आप बेचिएगा और अपना बच्चों को पढ़ाइएगा, इसीलिए वो नहीं देगा, वो चीज देगा ही नहीं। जैसे मनरेगा का हुआ है ना, मनरेगा नरेगा मनरेगा मिट्टी खोदने वाला खेत में नहीं होता क्या? आप लोग का इधर मिट्टी खोदा जाता है ना, तो एक दिन का कितना पैसा मिलता है? 255, 5 रुपया ज्यादा 250 से 255 रुपया मिलता है। और क्या कहता है सरकार, घर घर में रोजगार दे रहे हैं, 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, कहते ना मतलब 100 दिन का रोजगार करो, जाके खेत में मिट्टी खोदो, कमर गिराओ, जाके हॉस्पिटल में सारा पैसा मिलने 100 दिन के बाद खत्म कर दो, इसीलिए ना, क्योंकि मिट्टी खोदोगे डेली खाना पीना सही होगा नहीं, 255 रुपया आपका पैसा है एक दिन में, और उसी पैसा से आपको घर भी चलाना है राशन, और उसी पैसा सेविंग करना है, और वो पैसा
100 दिन का रोजगार होते होते आप मिट्टी खोदोगे 100 दिन कंटिन्यू, तो आप तबियत खराब आपका होगा कि नहीं होगा। फिर सरकारी अस्पताल जाओगे आपको वहाँ कुछ मिलेगा नहीं सुविधा। फिर आप प्राइवेट अस्पताल जाओगे, जाओगे ना तो जितना आपको पैसा बचा सारा पैसा तो हॉस्पिटल में खत्म हो रहा है, उससे भी ज्यादा। तो फिर बच्चा को कहाँ से पढ़ाइएगा आप लोग? अगर सरकार को मनरेगा देना ही है, 100 दिन का रोजगार देना ही है, तो मनरेगा को कृषि में क्यों नहीं जोड़ देता है? कृषि में जोड़ेगा तो धान रोपने का जो काम होता है, एक दिन धान रोपोगे 255 रुपया मनरेगा से पैसा मिलेगा, क्यों नहीं करता है? इसे आपको रोजगार भी मिलेगा, आपका काम भी होगा, आपका विकास भी होगा, आप खेती बाड़ी भी करेंगे, धान आपका ज्यादा उगाएंगे भी, आपका बच्चा का भविष्य बनेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो फिर क्यों मिट्टी खोदवाने का, और ये कैसे 100 दिन का रोजगार हुआ? अगर आप बच्चों को स्कूल भेजते, सरकारी स्कूल भेजते हो ना, सरकारी स्कूल में बार बार यूनिफॉर्म उसका स्कूल ड्रेस का कलर चेंज हो रहा ना। जब बीजेपी सरकार था तो स्कूल ड्रेस का रंग था गेरुआ। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे, गेरुआ था ना। अब जेएमएम का सरकार बना है, अभी हुआ हरा, हुआ है ना हरा। इससे वो लोग क्या साबित करना चाहता है कि हमारा सरकार चल रहा है, यही ना। आपका बच्चा को पढ़ाने का सोचा है? नहीं, पहले एक गोंडा मिलता था, अभी दो को मिलता है, मिलता है ना। स्कूल में 1 से 7 क्लास तक स्कूल, 1 से 10 क्लास तक स्कूल है, 5 गो मास्टर है ना, 5 गो मास्टर। 5 गो मास्टर में मास्टर लोग को सर्वे करने के लिए भेज देता है, किसका घर में मुर्गी कितना है, किसका घर में छगरी कितना है, भेजता है ना। मास्टर को ये मालूम है किसका घर में मुर्गी कितना है, किसका घर में छगरी कितना है, लेकिन मास्टर को ये नहीं मालूम है कि उसका स्कूल में छात्र कितना है। उसमें मास्टर की गलती नहीं है, गलती मास्टर का नहीं है, गलती हमारा सरकार